फ्रॉम विशांग लॉ एकेडमी। आज हम बात करने जा रहे हैं आपका चैप्टर चैप्टर रिलेटेड है एविडेंस एंड इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स। एविडेंस कैसे और इंक्वायरीज की ट्रायल कैसे होगा। व्हिच प्रोविजन रिक्वायर्ड द एविडेंस मस्ट बी टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज। इनमें से कौन सा सेक्शन है जो कहता है कि अक्यूज का प्रेजेंट होना जरूरी है जब भी एविडेंस रिकॉर्ड हो, चाहे प्रोसिक्यूशन एविडेंस चले या डिफेंड एविडेंस चले। तो दोनों जब भी एविडेंस चलेगा ट्रायल के टाइम पे तो आपका अक्यूज का प्रेजेंट होना जरूरी है, ये बात आपका 273 सेक्शन कहता है। और 277 क्या बात करता है आपका कि 277 कहता है कि लैंग्वेज ऑफ द लैंग्वेज ऑफ रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस, लैंग्वेज क्या होगी रिकॉर्ड करने की एविडेंस की। तो 270 इसका आंसर है 273, ठीक है। तो इसका आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है आपका कि द ट्रायल कोर्ट वाइल रिकॉर्डिंग द एविडेंस, जब आपका कोर्ट एविडेंस रिकॉर्ड कर रही होगी, इन केस वेयर द अक्यूज इज अ कस्टडी, जब अक्यूज जो कहा है कस्टडी में है, ठीक है, रिकॉर्ड द एविडेंस ऑफ द विटनेस विदाउट इंश्योरिंग प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज इन द कोर्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें देखिए 273 तो कहता है कि अक्यूज का प्रेजेंट होना जरूरी है, पर मान लो अगर अक्यूज नहीं आ सकता, ठीक है, तो कोर्ट उसको एग्जेम्प्ट भी कर सकती है। तो आंसर है ए, द जजमेंट पास बाय द ट्रायल कोर्ट इन सच प्रोसीडिंग वुड बी वाइटेड बाई वर्च्यू ऑफ 273A। 273A में ये वाली बात लिखी है। तो इसका आंसर क्या है आपका ए। अंडर द क्रिमिनल कोर्ट प्रोसीजर हु अमंग द फॉलोइंग इज एम्पावर्ड टू डिसाइड वट वुड बी द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। तो कोर्ट की लैंग्वेज क्या होगी ये कौन डिसाइड करता है आपका, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ठीक है। हाई कोर्ट की क्या लैंग्वेज होगी वो हाई कोर्ट खुद डिसाइड करता है, पर अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की बात करी जाए एक स्टेट की, वो उसकी लैंग्वेज हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की लैंग्वेज कौन होगा डिस्कस करे जाए तो स्टेट गवर्नमेंट डिस्कस करती है। तो इसका आंसर ए है, ठीक है। और ऑल एविडेंस टेकन इन द कोर्स ऑफ द ट्रायल अदर प्रोसीड मस्ट बी टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ अक्यूज ओनली, यानी कि आपका हो सके तो अक्यूज के प्रेजेंट होना जरूरी है, ठीक है। द अक्यूज और वेन ही पर्सनल अटेंडेंस डिस्पेंस, अगर मान लो देखो इसका आंसर वैसे सी है, क्यों, क्योंकि अगर अक्यूज है तो ठीक है, पर अगर उसकी पर्सनल अपीयरेंस को डिस्पेंस कर दिया कि नहीं आप नहीं आओगे और कहा कि उसका प्लीडर होना चाहिए, ठीक है, तो प्लीडर के प्रेजेंस में भी हो सकती है। तो इसका आंसर सी होगा, ओनली अक्यूज नहीं आपका उसकी प्लीडर को भी कर सकती है अगर उसकी उसको अटेंडेंस को डिस्पेंस कर दिया गया। अब बात करें 1065 क्वेश्चन की, तो ये कहता है कि आपका एविडेंस शैल बी टेकन डाउन द मजिस्ट्रेट ईदर हिमसेल्फ और डिक्टेशन इन ओपन कोर्ट विच अमेंड द प्रोविजंस ऑफ परमिट ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म, यानी कि क्वेश्चन मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ अक्यूज ऑफ द एडवोकेट ऑफ द अक्यूज, सॉरी दोबारा से पढ़ देता हूँ, एविडेंस शैल बी टेकन डाउन, जो भी एविडेंसेज रिकॉर्ड होंगे पीई या डी प्लेंटिव प्रोसिक्यूशन एविडेंस या डिफेंड एविडेंस जो भी लिखे जाएंगे, द मजिस्ट्रेट ईदर हिमसेल्फ या तो मजिस्ट्रेट इधर हिमसेल्फ और बाय डिक्टेशन इन ओपन कोर्ट, या तो ओपन कोर्ट में डिक्टेट करेगा, विच अमेंड प्रोविजन ऑफ द कोर्ट, कौन सा ओपन कोर्ट विच अमेंड द प्रोविजन ऑफ द सीआरपीसी परमिट ऑडियो वीडियो, कौन सा सेक्शन जो है वो परमिट करता है ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की, ठीक है, मींस इन द प्रेजेंस ऑफ एडवोकेट ऑफ द अक्यूज, एडवोकेट ऑफ द अक्यूज की। तो इसका आंसर है आपका बी 275। बात क्या करता है 275 अगर रिकॉर्ड इन वारंट केसेस, रिकॉर्ड होगा वारंट केसेस में, रिकॉर्ड कैसे होगा एविडेंस, तो ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग के भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। द कोर्ट कैन रिकॉर्ड डेमनर ऑफ द विटनेस अंडर विच ऑफ सेक्शन ऑफ द क्रिमिनल कोड, यानी कि आपका डेमनर 280, देखिए डेमनर का मतलब पहले 280 को समझिए, सेक्शन 280 कहता है कि अगर मान लो किसी ने, अगर ये एविडेंस चल रहा है, एक भी विटनेस है इसका एविडेंस चल रहा है, इससे कोई सवाल करा, इसने अपनी गर्दन हिला के कह दिया, गर्दन हिला दी नोडेड करा, तो जज क्या होगा ये बात लिखेगा कि जो विटनेस है W वो उसने अपनी गर्दन हिलाई और उस हाँ में गर्दन हिलाई नोडेड करा ऊपर के नीचे, तो जो गेस्चर्स होंगे ठीक है वो भी आपका एविडेंस में रिकॉर्ड होंगे, ठीक है, तो जो गेस्चर्स होते हैं वो भी एविडेंस में रिकॉर्डेड होते हैं, सेक्शन 280 यही बात कर रहा है। 280 सिंपली अगर हेडिंग की बात करें तो बात करता है रिमार्क्स रिस्पेक्टिंग डेमनर ऑफ ए विटनेस, डेमनर ऑफ विटनेस मतलब उसने अगर नोट करा है या उसने कोई शेक करा है या आपने हाँ में कोई गेस्चर बना के कोई चीज करी है तो वो, ठीक है, तो 280 आपका इसकी बात करता है, ठीक है, डेमनर वाली। 279 क्या बात करता है, 279 बात करता है इंटरप्रिटेशन ऑफ एविडेंस टू द अक्यूज और प्लीडर, यानी कि जो भी एविडेंस होगा वो आपका उसके अक्यूज और उसके प्लीडर के सामने पढ़ा जाएगा कि ये बात हुई है, ठीक है। 278 बात करता है प्रोसीजर इन रिगार्ड ऑफ एविडेंस व्हेन कंप्लीटेड, क्या प्रोसीजर रहेगा जब एविडेंस आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, मतलब जैसे कि अगर जब एविडेंस प्लीडर
मतलब एविडेंस जब खत्म हो जाएगा 278 में कि प्लीडर और उसके एडवोकेट के आगे एविडेंस को रिकॉर्ड को समझाया जाएगा, प्योर कंप्लीट करेगा, मतलब प्योर मान लो उसमें कोई करेक्शन है, करेक्शन वरेक्शन को ठीक करके दिया जाएगा। और 281 बात करता है आपका कि रिकॉर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज, यानी कि अक्यूज के एग्जामिनेशन को भी रिकॉर्ड करा जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इज रिलेटेड टू द इंटरप्रिटेशन इज बाउंड टू इंटरप्रेट ट्रूथफुली, यानी कि इनमें से कौन सा सेक्शन है जो कि कहता है कि जो इंटरप्रेटर होगा वो बिल्कुल सच सच लिखेगा। तो ये वाला बात करता है आपका 282 कहता है कि आपका इंटरप्रेटर जो होगा, इंटरप्रेटर इज टू बी बाउंड टू इंटरप्रेट ट्रूथफुली, यानी कि जो भी मान लो ये एक W है, ठीक है, ये जो विटनेस है वो बोल नहीं सकता, अब इसके लिए एक ट्रांसलेटर बुलाया जाता है, ठीक है, ट्रांसलेटर कह लो या इंटरप्रेटर कह दो, तो ये जो भी इन दोनों के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होगी ये ऑब्वियस सी बात है ये लिखेगा या ये बताएगा कोर्ट को, तो ये बिल्कुल सच बताएगा जो W ने इसे बताया, यानी कि ये इंटरप्रेटर जो है वो बाउंड है कि जो बताएगा W ने जो बताया सही से इंटरप्रेट करेगा, गलत करा तो इसके ऊपर केस हो जाएगा। तो टू इसका कौन सा सेक्शन, इसका आंसर है वैसे D, ठीक है। और ये बात करता है आपका इंटरप्रेटर बाउंड है। 280 क्या बात करता है, 280 बात करता है आपका रिमार्क्स जो गर्दन हिलाई और नोटेड करके हाँ बोला, तो वो चीज़ गेस्चर्स भी आपके रिकॉर्ड होंगे। 284 आपका क्या कहता है, व्हेन अटेंडेंस ऑफ विटनेस मे बी डिस्पेंस विद द कमीशन इशूड, मतलब कोई कमीशन बनाई है तो उसकी से विटनेस को भी हटाया जा सकता है। 272 क्या कहता है, 270 कहता है, 2 कहता है लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की लैंग्वेज क्या होगी। अब बात करते हैं 293 की, 293 क्या कहता है, 293 कहता है आपका, ये मैं सांस ले लूं, रिपोर्ट ऑफ सर्टेन गवर्नमेंट साइंटिफिक रिपोर्ट्स, यानी कि जितनी भी रिपोर्ट्स होंगी वो आपका साइंटिफिक रिकॉर्ड्स होंगी। अब एक बार पढ़ते हैं इसे क्या लिखा है कि 293 ऑफ प्रोसीजर रिगार्डिंग रिपोर्ट्स गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट्स अप्लाइज टू, किन किन पे अप्लाई होगा, डायरेक्टर सेंट्रल स्टेट फॉरेंसिक लैब, या मतलब अगर मान लो कोई भी कोर्ट ने मांगी है तो इन पे भी होगा, डिप्टी डायरेक्टर पे भी होगा, आपका असिस्टेंट डायरेक्टर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी होगा, तो ऑल ऑफ दिस पे होगा। पता नहीं ये क्वेश्चन क्यों दे रखा था, ठीक है, बट रिपोर्ट ऑफ सर्टेन गवर्नमेंट, मतलब कोर्ट जो है वो इन सबसे रिपोर्ट मांग सकती है, ठीक है, सबको रिकॉर्ड के लिए ऑर्डर दे सकती है। ये 116 है, हम आगे पढ़ेंगे। अब बात करते हैं आपका 1071 की, 1071 कहता है द प्रोविजन ऑफ द कन्विक्टेड इन्वेसिंग फॉलोइंग सेक्शन, ये कहाँ चला गया, ये रहा, द प्रोविजन प्रूविंग कन्विक्शन इज इन्वेस्टिगेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन, यानी कि आपका इनमें से कौन सा सेक्शन बात करता है कि पनिशमेंट से रिलेटेड, तो 298 इसकी बात करता है। 298 क्या कहता है आपका कि प्रीवियस कन्विक्शन और एक्विटल हाउ प्रूव्ड, यानी कि मान लो आपका जो प्रीवियस कन्विक्शन हुई है, ठीक है, या एक्विटल हुआ है एक्यूज, तो उसका पहले आंसर है आपका 298, इसका आंसर क्या है आपका 298, ठीक है। तो 298 कह रहा है कि अगर कोई किसी को प्रीवियस कन्विक्शन हुई है या वो प्रीवियस एक्विटल हुआ है किसी केस में, तो उसका प्रूफ क्या होगा, उसको की जजमेंट होगी, ठीक है, तो उस वो रिलेटेड बात करता है। और 296 कहता है एविडेंस ऑफ ए फॉर्मल करेक्टर और एफिडेविट, मतलब किसी के करेक्टर से रिलेटेड भी आप एफिडेविट दे सकते हैं, ठीक है, और नोटरी ऑफिसर से अटेस्ट वटेस्ट करवा के, हेल्थ कमिश्नर से अटेस्ट करवा के। 297 कहता है अथॉरिटीज बिफोर हुम एफिडेविट मे बी सॉन, मतलब अथॉरिटीज किस किस के सामने एफिडेविट सॉन कर सकती है, नोटरी ऑफिसर के सामने और कमिश्नर के सामने, 297 कहता है। 299 कहता है आपका रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस इन द एब्सेंस ऑफ अक्यूज्ड, मतलब अगर मान लो जो अक्यूज है वो एब्सकॉन्ड हो गया, यानी कि भाग गया यहाँ से, ठीक है, भगोड़ा घोषित हुआ है, तो उसकी इन प्रेजेंस में भी एविडेंस रिकॉर्ड हो सकता है, 299 ये कहता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है आपका 298 है, असलियत में इसका आंसर ये है, बाकी तो मैंने आपको ऐसे बता दिया। अब सेक्शन प्रोवाइडिंग द प्रोसीजर ऑफ द प्रीवियस कन्विक्शन ऑन एक्विटल, अब इसमें से रिलेटेड कौन सा सेक्शन आपका प्रीवियस कन्विक्शन से रिलेटेड बात करता है, तो हमने ऊपर पढ़ा था 298 है, इससे रिलेटेड बात करता है। विच ऑफ द प्रोसीजर एग्जामिनेशन बिटवीन एब्सेंस ऑफ अक्यूज, मतलब अक्यूज अगर भाग गया, एब्सकॉन्ड हो गया, तो उसके इन प्रेजेंस में भी कौन सा सेक्शन के तहत उसका हो सकता है, पर ये तब होगा 299 में जब अक्यूज भाग गया। अब बात करें 106 की, द अथॉरिटीज अंडर विच ऑफ द सेक्शन 297 किन किन को ग्रांट करी हुई है, एनी जज और एनी जुडिशियल ऑफिसर मजिस्ट्रेट, अगर इनके सामने भी कोई एविडेंस रिकॉर्ड हुआ एफिडेविट के सामने तो ठीक है, नहीं नहीं 297 बात करता है आपका अथॉरिटीज बिफोर हुम एफिडेविट में भी सॉन्ग, इनके कौन कौन सी अथॉरिटीज हैं जिनके सामने एविडेंस रिकॉर्ड हो सकते हैं, तो इसका आंसर है अगर मान लो कोई जज के सामने भी है या जुडिशियल मजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है तो भी इनके सामने भी एविडेंस दिया है, कोई कमिश्नर अपॉइंट हुआ है, ऑथ कमिश्नर अपॉइंट हुआ है, इनके सामने भी हो सकता है, कोई नोटरी ऑफिसर है उनके में, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है, ये सारे के सारे
आपका एफिडेविट में स्टैंप लगवा के इनके आगे भी एविडेंस माना जा सकता है। ठीक है, विच ऑफ द टू, पहले देखते 271 क्या कह रहा है। 271 कह रहा है कि लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट कौन होगा, कौन डिसाइड करेगा। ऑब्वियस बात है आपका स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है, साथ ही साथ में आपका सेंट्रल गवर्नमेंट भी डिसाइड कर सकती है। जैसे दिल्ली में तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है कि कोर्ट की लैंग्वेज क्या होगी। नहीं, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया। ठीक है, एक मिनट, इसमें ये है कि आपका विच ऑफ द अथॉरिटी हैज डिटरमाइन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट अदर देन द हाई कोर्ट। अदर देन द हाई कोर्ट कौन सा आपका स्टेट 271 में बता सकता है, तो ओनली स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है आंसर। ये थोड़ा सा गलती से मुंह से निकल गया था, तो इसका आंसर क्या है, ए है। ठीक है, सॉरी, द एविडेंस ऑफ एनी पर्सन हुज एविडेंस इज इन अ फॉर्मल कैरेक्टर विच मे बी गिवन एफिडेविट इन प्रोवाइडेड। मान लीजिए अगर किसी का फॉर्मल कैरेक्टर से रिलेटेड कोई एविडेंस देना है, ठीक है, और वो उसने एफिडेविट दे दी है, तो कौन सा सेक्शन इससे रिलेटेड करता है डील, इससे रिलेटेड करता है 296 कहता है कि एविडेंस ऑफ अ फॉर्मल कैरेक्टर ऑन एफिडेविट, यानी कि अगर फॉर्मली भी उसने दिया तो भी चलेगा। तो इसकी बात करता है आपका 296 इससे रिलेटेड बात करता है। ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ द कोर्ट सी आर पी सी हुम अमंग द फॉलोइंग मे डिटरमाइन द लैंग्वेज ऑफ द ईच कोर्ट ऑफ द स्टेट अदर देन द हाई कोर्ट। तो अगर अदर देन द हाई कोर्ट की बात करी जाए तो कोर्ट कौन सा कोर्ट जो होगा लैंग्वेज डिसाइड करेगा, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी भैया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की लैंग्वेज क्या होगी। द पावर ऑफ डिटरमाइन द लैंग्वेज ऑफ ए सबॉर्डिनेट कोर्ट इज विद, सिंपल सी बात है, 271 में इनको पावर मिली हुई है, तो इसका आंसर होगा आपका बी, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, 1077 इंपॉर्टेंट है, इसमें हमें मैच करना है। तो पहले ऐसे ही सिंपल मान लीजिए 290 किससे रिलेटेड बात करता है आपका, 290 बात करता है कि एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन ऑफ फॉरेन कमीशन, तो एग्जीक्यूशन ऑफ फॉरेन कमीशन है यहाँ पर, तो यानी कि ए का फोर हुआ। ठीक है, ए फोर तीन में है। ठीक है, 291 कह रहे हैं कि आप 291 बात करता है डिपोजिशन ऑफ द मेडिकल विटनेस, डिपोजिशन ऑफ द मेडिकल विटनेस, तो ये यहाँ का है आपका, यहाँ पर है, तो 343 दो में आ गए। 292 बात करता है आपका कि एविडेंस ऑफ ऑफिसर ऑफ द मिंट, तो यहाँ पर आपका 292 है आपका ऑफिसर मिंट, ये 2 4 3 2 1, तो यहाँ पर आंसर होगा 4 3 2 1, तो इसका आंसर होगा मेरे हिसाब से 1077 का सी, तो इसका आंसर है सी। ठीक है, अब बात करते हैं 1080 की, इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑल करेक्ट, ऑल एविडेंस टेकन इन द कोर्स ऑफ द ट्रायल अदर प्रोसीडिंग मस्ट बी टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज्ड ओनली अक्यूज्ड, यानी कि उनकी सबकी प्लीडर की भी प्रेजेंस होना जरूरी है, अगर उसकी डिस्पर्स करिए तो 3 होगा, तो इसका आंसर होगा एक तो 3 और आपका 4 कह रहा था अक्यूज्ड अदरवाइज प्रोवाइड इन 4, तो मेरे हिसाब से 3 और 4 होना चाहिए, तो इसका आंसर होना चाहिए आपका 3 सी। तो 1080 का आंसर देखते हैं क्या है आपका सी, इसका आंसर है सी। ठीक है, तो ये दो पॉइंट ठीक है। इन एनी क्रिमिनल कोर्ट इन क्रिमिनल ट्रायल विदाउट द प्रोड्यूसिंग केमिकल एग्जामिनर ऑफ द टू द गवर्नमेंट द रिपोर्ट गिवन बाय हिम अपॉन द थिंग ड्यूली सबमिटेड फॉर द एनालाइज इन द कोर्स ऑफ एनी। 1078 का आंसर मतलब ये कह रहा है कि इन किसी भी कोर्ट में आपका कैसे होगा, कैन बी यूज एज एविडेंस, उसको एज एविडेंस की तरह यूज कर सकते हैं कोई केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट आई तो। Under which of the following section of the court criminal procedure provide issue a commission for the examination of a president or vice president? अगर मान लो president या vice president से related अगर उनको witness बनाना है, ठीक है, उनको examine करना है president को और vice president को, तो उनके लिए commission appoint कौन से section में होगी, तो इसकी बात करता है आपका of 284 इससे related बात करता है। ठीक है, 284 आपका बात करता है कि when the attendance of a witness may be dispensed with the end of the commission issued। ठीक है, तो इसका आंसर 284 है। 287 क्या बात करता है, 287 बात करता है आपका पार्टीज में एग्जामिन विटनेस, पार्टी को भी में एग्जामिन विटनेस की तरह कर सकते हो। 286 बात करता है आपका कि एग्जीक्यूशन ऑफ द कमीशन, कमीशन को कैसे एग्जीक्यूट करवाया जाएगा। ऑल एविडेंस टेकन इन द कोर्स ऑफ, थोड़ा सा रब था ये, ट्रायल कैन बी टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ हुम द अक्यूज एक्सेप्ट ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, किसके सामने अक्यूज की प्रेजेंस का नेसेसरी नहीं है, जब बच्ची माइनर है, ठीक है, तो उसके सामने जरूरी नहीं है, तो इसका आंसर सी होगा। अगर विक्टिम जो है वो रेप की है और वो माइनर गर्ल है
तो उसके सामने अक्यूज को लाना जरूरी नहीं है। पर आपका सेक्शन, जैसे कि आपका सेक्शन 273 कहता है, 273 कहता है कि आपका एविडेंस जो होंगे वो अक्यूज के प्रेजेंस में रिकॉर्ड होंगे। बट अगर विक्टिम जो है वो रेप का केस है और विक्टिम जो है वो माइनर गर्ल है, तो इसका होना जरूरी, अक्यूज का प्रेजेंस होना जरूरी नहीं है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़।